नमस्कार साथियों, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख ले हुईगा, आरएस अग्रवाल प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग चालू किए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 11 का ए हम लोग कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक करने से हमारे मनोबल को दोगुना होता है, लाइक करने से मेरा मनोबल दोगुना होता है, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। क्योंकि जब लाइक कम आता है तो मेरा मनोबल टूटने लगता है। तो साथियों, आप चाहते हैं कि फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बेनिफिट आपको हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न माला 11A, क्वेश्चन नंबर 1, मिनल ने एक कार 25,000 में खरीदी और 34,000 मिलन ने एक कार 2.5 लाख में खरीदा है। तो देखिए, एक है आपका क्रय मूल्य और एक है विक्रय मूल्य। एक है आपका विक्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य है 2.5 लाख और विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य मेरा हो गया इतना, ठीक है। तो ऐसे सवाल को अनुपात के नियम पर भी कीजिएगा तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको घटाइए। देखिए, मान लेता हूँ कि 250 के वस्तु है 348 में बेच रहा है, तो इसको लाभ है। तो लाभ है तो कितना लाभ है, तो यहाँ से लाभ निकलेगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है, यानी खरीदेंगे कम में बेचेंगे ज़्यादा में तो लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ है, लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ मेरा हो जाएगा 8 और देखिए ना, 8 हो जाएगा, ये इसमें से घटेगा तो ये 14 में से तो 9 हो जाएगा, यानी 98 हो गया। तो लाभ परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य काट कूट के 250, तो ये हो जाएगा 2×5 अब मेरा हो जाएगा 8×16 1×9×18 19 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5×3 15 7×5 35 और 1×5×10 यानी आ जाएगा 37.2% लाभ हो जाएगा। इसको घटाएंगे, देखिए कितना कितना को 348 में से 250 घटा लीजिएगा, तो देखिए इतना और ये हो जाएगा 14 9 98 आया। तो 98 लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 250। देखिए क्यों, क्योंकि ये सब काट कूट के लाए थे ना, सेम काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ये 2×5 हो जाएगा, ये 5×5 25 हो जाएगा। अब ये दूसरे इसमें गुना करेंगे, 8×16 1×9×18 19 196 में 5 से भाग हो जाएगा, तो 5×15 ये 4 हो जाएगा, इतना ये 9×5 45 आएगा, 1
पॉइंट जीरो तो पाँच दूना दस, 39.2% आंसर हो जाएगा। देखिए दो नंबर सवाल में ऐसा किया जा सकता है कि पी प्रति दर्जन के भाव से दिया हुआ है, तो प्रति दर्जन को या तो आप एक पीस में कन्वर्ट कर लीजिए या एक जो पीस है एक वस्तु है उसको दर्जन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं दर्जन में ही रहने देता हूँ, मैं मानता हूँ यहाँ पर कि एक दर्जन का जो दाम है पी रुपया, एक दर्जन का दाम है पी रुपया, या पी प्रति दर्जन के भाव से क्या कर रहा है खरीद रहा है, तो पी रुपया ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, खरीदा मीन्स क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। देखिए सर ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, देखिए विक्रय मूल्य बोल रहा है पी बटा आठ वस्तु है, यानी एक वस्तु का दाम इतना है, यानी एक पीस का दाम है, तो 12 पीस कर लेंगे, तो ये दो चौका ये तीन, यानी 3/2 पी हो जाएगा, 3/2 पी हो जाएगा। आगे देखिए अब हमको क्या निकालनी है, लाभ परसेंट निकालना है, तो देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100/ क्रय मूल्य। तो देखिए तो यहाँ पर लाभ कब होगा, लाभ के स्थिति में क्या होगा कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, तो इस दो को हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाएगा, तो लाभ गुने 100/ क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पी, कोई दिक्कत। अब यहाँ से काम कर देंगे, देखिए बटा पर के जोड़ यहाँ पे करेंगे, तो बटा पर के जोड़ करेंगे तो 2 और 1 का लॉसल लीजिएगा तो 2 आएगा, यहाँ पर 3p या माइनस 1 ई 2p या गुने 100, ये 100 है 100, अब बट्टा पी देखिए ना 2 से ही कट जाएगा आपका, ये 50 ही कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3p में से 2p घटेगा, तो 3p में से 2 घटेगा, तो 1p गुने 50 बटा पी, तो पी से पी कट गया, यानी 50% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए का के फैक्टर के ऊपर बन जाएगा, का के फैक्टर में क्या है कि लागत का 1/10 लाभ है, तो यहाँ से का के फैक्टर में क्या होता है कि का के नज़दीक में जो रहेगा ना, तो ये नज़दीक वाला इसका वैल्यू होगा, दूरी वाला का दूरी का वैल्यू होगा। यहाँ पर लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य को ही लागत कहते हैं, क्रय मूल्य मेरा हो जाएगा दस, और यहाँ पर लाभ दिया हुआ है एक, मान लेता हूँ कि 10 रुपया पर लाभ हो रहा है 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 11 रुपया, यानी 10 रुपया की वस्तु मैं 11 रुपया में बेचूँगा तब 1 रुपया का लाभ होगा। अब क्या पूछ रहा है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, और यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 891 रुपये में बेचा गया, यहाँ पर विक्रय मूल्य मेरा 11 रुपया आया, प्रश्न में है 891 रुपया और मेरा आया 11 रुपया, गुने निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य से गुना कर देंगे, क्रय मूल्य मेरा कितना है, यहाँ देखिए ना क्रय मूल्य 10 है, तो 10 से गुना हो जाएगा, ये कटेगा 1 मरतब पे और 1,
810। देखिए चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर में है क्या कि अच्छा 2470 रुपया में 26 किलो चावल खरीदे हैं। तो यहाँ देखिए 26 किलोग्राम चावल का जो क्रैमूल है 2470 रुपया, 2470 रुपया है 26 किलो का दाम हो गया। आगे देखिए, और आगे है 110 किलोग्राम प्रति ग्राम की दर से 10 किलो चावल, और 10 किलो चावल का दाम कितना हो जाएगा। तो 1 केजी का दाम है, देखिए 1 केजी का दाम है 110, तो 1 केजी का प्रति केजी बोला है, तो 1 केजी का दाम है 110, 10 केजी का हो जाएगा 1100 हो गया। अब पूछा जा रहा है क्या कि 70 रुपये हमको लाभ कमाना है, तो शेष चावल को कितना में बेचेंगे। तो यहाँ से देखिए 26 किलो चावल है का दाम इतना पर है, और 10 किलो का चावल बेच दिया है, तो कितना बच जाएगा। तो बच जाएगा तो अंतर यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर अंतर निकाल लेंगे, तो 26 में से 10 यानी 16 किलोग्राम चावल बचेगा। तो कितना में बेचना पड़ेगा, पहले इसको घटा लेते हैं, इतना और 3 1370, और ऑलरेडी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 70 रुपये का लाभ हमको कमाना है, तो 70 रुपये इस पर डाल देंगे, इसी पर तो हमको सब कमाना है ना लाभ, तो लाभ इसी पर, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ चूँकि यहाँ पर ऐसा समझे ना, चूँकि 16 किलोग्राम चावल का दाम इतना है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 किलो ग्राम चावल का दाम हो जाएगा ये 1440 अपॉन इतना काटेंगे, तो 16 नंबर 144, तो 90 रुपया हो जाएगा। 1 केजी का दाम ही पूछ रहा है, तो 90 रुपया के दाम से बेचेंगे तो 70 रुपया जा करके हमको लाभ होगा, तो 90 रुपया इज राइट आंसर। यहाँ देखा जाए पाँच नंबर, देखिए पाँच नंबर जो सवाल है इसमें क्या करेंगे, देखिए पाँच नंबर सवाल में ESP यानी सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे लाभ बराबर, सेलिंग प्राइस में हानि को जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा। ये बोल रहा है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है, और इतनी ही पेंसिल, इसीलिए ये इतनी ही दोनों को बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब लाभ वाला पर जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर है आपका, ये 2.5 रुपया इतना मैं एक्स मान लेता हूँ, माइनस होगा 110 रुपया का लाभ, और इतनी ही पेंसिल हमको 1.75 एक्स प्लस 55, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको माइनस करेंगे तो 0.75 एक्स, और इसको जोड़ेंगे 165, पॉइंट से मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ, यहाँ पर चला जाएगा 25 तिया 25 चौका, तो 3x बराबर ये इसमें गुना हो जाएगा 5 चौका 20 0 हाथ में 2 16 चौका 64 है 2 66 66, और ये 3 से कटेगा ना 22, तो x का मान हो जाएगा 2 से 20, यही 2 से 20 आ जाएगा।
विनोद के पास पेंसिल 220 था, विनोद के पास पेंसिल की संख्या आ गया 220। छः नंबर क्वेश्चन है, घोड़ा है और गाड़ी है, इसको एलिगेशन पर बनाने में हमको सुविधा होगा, एलिगेशन रूल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको मिल रहा है 20% का लाभ हो रहा है, लाभ है तो प्लस 20% और 10% के हानि हो रहा है, माइनस 10% का हानि हो रहा है और 2% का लाभ हो रहा है, तो 2% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे किसे किसे घटाया जाता है, तो घटाएंगे, तो देखिए 2 में से घटाएंगे माइनस 10, तो 2 माइनस माइनस प्लस 10 यानी 12 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से हम, यहाँ देखो ये तो हट गया, 20 में से 2 घटाइए तो 18, यहाँ पे 18 आ गया, तो इसको काट के छोटा करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 तिया आई 3 दूना, तो 2 और 3 का रेशियो आ गया 5 आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या है, एक घोड़ा और एक गाड़ी, देखिए एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में, कहीं नहीं 17,000 10,000 20,000 में इन्होंने क्या करता है, ख़रीदा, लेकिन यहाँ पर ख़रीदा 2 रुपया में, 3 रुपया यानी 5 रुपया में ख़रीदा। अब क्या पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़ा के क्रय मूल्य यहाँ पे 2 रुपया, तो घोड़ा से गुना हो जाएगा, ये 5 चौका 20 पर 3 ठो 0, तो 4 दूनी 8, 8 पर 3 ठो 0 आ जाएगा, 8,000 हो जाएगा। 7 नंबर में देखा जाए, 2 5 इतना, तो मूल इतना का 10% नीचे आता है मात्रा, मैं बार बार इसको कितना बार बताया हूँ, मात्रा हो गया, देखिए 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, अब हो जाएगा 2 25 पर 1 0 इतना, और ये 25 नम्मा, 90 रुपया हो गया, तो 90 रुपया ये क्या आया, तो ये जो 90 रुपया आया, जो 10% का जो कमी किया जा रहा है उसके लिहाज से 90 रुपया है, लेकिन पहले कितना था वो, तो देखिए ऐसे प्रारंभिक मूल्य वर्तमान मूल्य, तो प्रारंभ में 100 रुपया था, तो 10% का यहाँ पे कमी किया जा रहा है तो 90 रुपया होगा, तो यहाँ पे मेरा 90 रुपया है, तो 90 का तुलना 90 से करेंगे, गुने यहाँ पे कितना है या प्रारंभ में कितना था वो प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है, तो ये कटेगा तो 100 हो जाएगा, 90 मत मार दीजिएगा, 100 रुपया आपका आंसर होगा। 8 नंबर सवाल देखा जाए, 8 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है कितना है, 6750 में बेचा, तो यहाँ से बेचा कितना में, देखिए 100 रुपया मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया है, और हानि हो रहा है 25 का, हानि 25% का, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया के वस्तु पर हानि हो रहा है 25% का, तो 75 रुपया, तो यही तो दिया हुआ है, इसका तो नहीं इतना इसका से, यानी ये जो प्रश्न में दिया है, देखिए प्रश्न में दिया है 6750 रुपया का यहाँ में बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बेच रहा है 100 रुपया के वस्तु 75 रुपया में बेच रहा है,
अब गुने, अब इस पर हमको होना है 15% का लाभ, तो 100 रुपया के वस्तु हम 115 में बेचेंगे तब ना 15% का लाभ होगा, तो वही यहाँ से विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकलेगा। देखिए ये 25 इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 15 चौका 60 और 15 पच्चे 75। अब यहाँ पर आ जाएगा 450 × 23 तो 10,350 आपका आंसर हो जाएगा, 10,350 डैट इज सी आंसर हो गया। 9 नंबर में कितने आदमी हैं? अच्छा 3 आदमी हैं, ए बी और सी, 3 व्यक्ति है सर, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना आदमी है, 3 आदमी है। मान लेता हूँ कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, यानी ए का 100 रुपया का वस्तु है, बी को 100 रुपया के वस्तु पर 15 रुपया का लाभ, यानी 115 में ही बेचेगा। आगे देखिए, अब बी क्या करता है, ये तो 15% का लाभ पर बेचा, अब बी सी को 10% की हानि पर बेच देता है, 10% की हानि पर बेच देता है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो बी का तो है 115 का हानि 10% 90% होगा, तो इसे ही कटेगा, सी को 10% कमी पर बेचेगा तो 90% इसे ही कटेगा। अब 115 में 9 से गुना कर दीजिए, तो देखिए तो 9 × 5 = 45 के 5 × 8 = 4 9 × 4 = 13 1 9 = 10 आई पॉइंट बैठ जाएगा 103, यानी बी बेचेगा 103.5 में बेचेगा, ये बी बेचेगा, समझ में आया। अब बोल रहा है क्या कि सी तो इतना में ख़रीदा, तो इतना में ख़रीदा इतना ही ना भुगतान किया होगा, प्रश्न में कह रहा है कि नहीं ये जो किया 517 इतना का भुगतान किया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इतना गुने, और ए का पूछ रहा है तो ये तो 100, तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये डायरेक्ट इसको काट दीजिए, ये डायरेक्ट 5 से कट रहा है, तो 500 आपका आंसर हो जाएगा, 500 आंसर।